हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्योरिटीज क्या है मार्केट में। तो सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। तो जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, जो मार्केट में जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं सेल या बाय करने, तो जो सिक्योरिटी आपकी रहती है वो ऐसा कुछ है जिसको मैं बेचकर पैसा कमा सकूं या फिर जिसको मैं पैसे से खरीद सकूं, मतलब विच इज अ ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। अब जो आपकी मार्केट में सिक्योरिटीज रहेंगी वो तीन तरह की रहेंगी, या तो डेब्ट सिक्योरिटीज, बैंक नोट्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। इक्विटी सिक्योरिटीज जैसे कि कॉमन स्टॉक्स, मान लीजिए आप स्टॉक्स खरीद लेते हैं या फिर आपके पास शेयर्स हैं, तो वो आपके इक्विटी टाइप की सिक्योरिटीज रहेंगी जिनको मैं बेच के फिर से, विच इज अगेन अ ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ये आपको डेप्थ में जानने के लिए दूसरे हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। आप पूरा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं उसके लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। सिक्योरिटीज बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी एक ऐसी चीज, एक फाइनेंशियल एसेट है मेरा जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ या फिर उसको खरीद सकता हूँ या उसको बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर तीन तरह का है। और नॉर्मली आपको अगर ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है एसेट, तो नॉर्मली एसेट वो है जो कि मेरे को पैसा दे रहा है। ऐसे दो एक वर्ड हो, दो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बेसिक जब आप फाइनेंस सीख रहे हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज। तो एसेट और लायबिलिटीज में आपको डिफरेंस मैं अभी हल्का सा बताता हूँ। एसेट, एक मान लीजिए मैं फ्लैट खरीदता हूँ, हर महीने उसका रेंट आता है, तो ये मेरे लिए एक एसेट है कि मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मैं अपना चीज को सेटअप कर चुका हूं, फ्लैट मेरा है, हर महीने हर मंथ रेवेन्यू आता है। बट लायबिलिटी इज समथिंग जिसको मेरे को पे करना पड़े, मेरे पॉकेट से जब पैसा जाएगा तो वो एक लायबिलिटी है। मान लीजिए मैं कार खरीदता हूं तो वो एक तरह की लायबिलिटी है क्योंकि हर महीने मुझे कभी कुछ इंश्योरेंस का, कभी सफाई का, उसका चलता रहेगा। बाहर अगर साफ करने वाला भी लगाता हूं तो उसको 500 रुपये महीने के देने पड़ते हैं, तो वो एक तरह की लायबिलिटी है मेरी। तो सिक्योरिटी बेसिकली वही है, एक ऐसी चीज जिसको मैं बेचकर या फिर खरीद कर फाइनेंशियली ट्रांजैक्ट कर सकता हूं, तो ट्रेड कर सकता हूं फाइनेंशियली किसी चीज को, वो मेरी एक सिक्योरिटी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चेकआउट करें, और इसी तरह हमने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हुए हैं।